फ्रिक्शन, पॉइंट नंबर वन, फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है, सबको मालूम है फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है। नंबर टू, फ्रिक्शन जो है वो दो टाइप की है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन है और दूसरी काइनेटिक फ्रिक्शन है। काइनेटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब कि जब कोई बॉडी रेस्ट पे है और रेस्ट पे आप उसको मूव करवाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फ्रिक्शन की वजह से वो मूव नहीं कर पा रही तो स्टैटिक है। काइनेटिक में आप एक बॉडी को क्या कर रहे हैं, स्लाइड करवा रहे हैं और बॉडी घिसटती हुई जा रही है, सरफेस के साथ रगड़ खाती हुई जा रही है, तो वहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन का रोल कुछ ऐसा है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस बॉडी को मूव करवाने के लिए आपको मान लो 10 न्यूटन की फोर्स चाहिए और यहाँ पे फ्रिक्शन है, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई, ये मैं टेबल बना रहा हूँ, फोर्स अप्लाइड का टेबल है और यहाँ पे फ्रिक्शन का टेबल है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है। तो लेट अस सपोज आपने जो फोर्स लगाई वो कितनी लगाई, वो लगाई 1 न्यूटन। तो ये इस बॉडी को मूव करवाने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड कितनी है, 10 न्यूटन, ये मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी काउंट कितनी होगी, 1 न्यूटन। अगर मैं 2 न्यूटन फोर्स लगाता हूँ तो ये नहीं मूव करेगी, तो 2 न्यूटन। ऐसे करते 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 अगर मैं 10 न्यूटन लगाता हूँ तो 10 न्यूटन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को क्या कर रही है, एडजस्ट करती जाएगी लेकिन बॉडी को मूव नहीं करवाने देगी। ये सारी फ्रिक्शन के दौरान बॉडी किस पे पड़ी हुई है, एट रेस्ट। तो ये सारी फ्रिक्शन का नाम क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। बट अगर मैं फ्रिक्शन 11, 12, 13 न्यूटन कर दूं, सॉरी फोर्स अप्लाइड ज़्यादा कर दूं, तो ये बॉडी मूव करना शुरू कर देगी। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मान लो 9.5 न्यूटन एंड सोन कॉन्स्टेंट हो जाएगी। ये सारी कौन सी फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन है। और लास्ट वैल्यू जब बॉडी रेस्ट पे थी, और स्टैटिक फ्रिक्शन की लास्ट वैल्यू का दूसरा नाम क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज लास्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये फ्रिक्शन की कहानी है। तो आप जब ग्राफ प्लॉट करते हो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का या फोर्स अप्लाइड का और फ्रिक्शन का, तो आप ये देखोगे कि सबसे पहले आपकी फोर्स अप्लाइड और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बराबर है, तो लीनियर ग्राफ है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये आपकी फोर्स अप्लाइड है, फोर्स अप्लाइड का ग्राफ है यहाँ पे, और ये फ्रिक्शन का ग्राफ है। तो शुरू में यहाँ पे कौन सी फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि जितनी आप फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं उतनी वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है। फिर क्या हो जाएगा, ये काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगी। मान लो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 10 न्यूटन है, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है वो स्टैटिक से, मैक्सिमम स्टैटिक से क्या हो जाती है, कम, क्योंकि बॉडी को मूव करवाना मुश्किल है। एक बार मूव कर गई, फ्रिक्शन कम हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को कांस्टेंट कर लेती है काइनेटिक के तौर पे। तो इसका ग्राफ है। क्वेश्चन ये अराइज होता है, मुझे कैसे पता लगेगा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे निकलेगी और काइनेटिक की वैल्यू कैसे निकलेगी, क्योंकि ये जो वैल्यूज हैं ये किस पे डिपेंड करती है, फोर्स अप्लाइड पे। तो अगर मान लो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू 10 न्यूटन है, आपने फोर्स 1 अप्लाई की तो फ्रिक्शन 1 न्यूटन है। मैं इसको एग्जांपल के साथ लगा के दिखाता हूँ। तो इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट ऐसा चलता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो होता है म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में म्यू एस पुट करते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी। और अगर आप यहाँ पे क्या पुट करते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन, तो ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो दो किस्म के म्यू की वैल्यूज होती हैं, एक स्टैटिक होती है, एक काइनेटिक होती है। जब मैं म्यू एस पुट करता हूँ तो यहाँ जो फ्रिक्शन की वैल्यू है ये आपको क्या देती है, ये आपको मैक्सिमम स्टैटिक की वैल्यू देती है या लिमिटिंग देती है, और ये जो वैल्यू है वो आपको क्या देती है, काइनेटिक फ्रिक्शन देती है। क्या ये स्टेप समझ में आता है यहाँ तक? तो स्टैटिक और काइनेटिक की वैल्यूज कैसे निकलती हैं, इसको यूज़ कैसे करना है, अब मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। यूज़ करने का ये तरीका है, मान लो आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, रादर मैं इसको यहाँ से समझाता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा।
ठीक है, तो ये ग्राफ मैंने आपको समझा दिया, लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन का ग्राफ है। फिर उसके बाद इसमें जो मेन चीज़ करने वाली है वो कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स जो स्टैटिक और काइनेटिक के एग्जांपल्स हैं स्पेशली, उसके अंदर ये मैंने आपको समझा दिया ये स्टैटिक है और ये काइनेटिक है। अभी मैंने बोर्ड पर एग्जाम्पल लिखा, ये मैंने समझा दिया दो किस्म के म्यू हैं, स्टैटिक एंड काइनेटिक। और इस एग्जाम्पल को करते हैं, मान लो आपके पास 10 kg का ऑब्जेक्ट है, ये बॉडी पड़ी हुई है और म्यू एस भी गिवन है और म्यू के भी गिवन है, और मैंने कितनी फोर्स लगाई, सिर्फ 1 न्यूटन। मेरा क्वेश्चन है फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। पहला क्वेश्चन, इसमें फ्रिक्शन काइनेटिक होगी या फ्रिक्शन स्टैटिक होगी ये मालूम नहीं पड़ रहा। तो सबसे पहले ये देखते हैं इस बॉडी को मूव करवाने के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है। उसके लिए सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन में एम जी है, तो आप म्यू के मत यूज़ करें, म्यू एस यूज़ करें, म्यू एस पुट करें, एम पुट करें, जी पुट करें, 50 न्यूटन। इस बॉडी को मूव करवाने के लिए 50 न्यूटन की फोर्स रिक्वायर्ड है, पर आपने कितनी फोर्स अप्लाई की, सिर्फ 1 न्यूटन, तो बॉडी मूव नहीं करेगी। तो क्वेश्चन आएगा फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्या मार्क करेंगे, 1 न्यूटन। 50 मत पुट कर देना, जो फोर्स अप्लाइड है वही क्या बन जाती है आपकी, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो आपका आंसर 1 न्यूटन है। इसी क्वेश्चन के अंदर अब मैंने आपको फोर्स अप्लाइड कितनी करवा दी, 100 न्यूटन। अब मुझे पूछा जाएगा फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अब इस बॉडी को मूव करवाने के लिए कितनी मिनिमम फोर्स चाहिए वो आप कौन बताएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट कर ले फिर से 50 न्यूटन। इस बॉडी को मूव करवाने के लिए मिनिमम फोर्स कितनी चाहिए, 50 न्यूटन, पर आपने कितनी अप्लाई की, 100 न्यूटन, तो ये बॉडी मूव करेगी। आपको सबसे पहला पॉइंट ये देखना होता है बॉडी मूव करेगी कि नहीं करेगी, तो बॉडी तो मूव करेगी, और अगर करेगी तो रगड़ खा के चलेगी, इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन आंसर है। तो अब आप क्या लगाएंगे इसमें, काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन, आपका आंसर 40 न्यूटन आएगा। तो मतलब कि बॉडी को मूव करवाने के लिए अगर 50 न्यूटन फोर्स चाहिए और तुमने 50 से कम लगा दी तो वही फ्रिक्शन है, और तुमने अगर 50 से ज़्यादा लगा दी तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन इज द आंसर। तो ये रूल समझ में आ रहा है यहाँ तक, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं पीवाई क्यों आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इस रूल को हम लगाएंगे। दूसरा पॉइंट है इसमें कि अगर मान लो इंक्लाइन प्लेन पर फ्रिक्शन लगानी है और इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी मूव करती हुई आ रही है, तो पक्की बात है स्लाइड करती हुई आ रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन ही रोल प्ले कर रही है, क्योंकि अगर मैंने बोल दिया बॉडी स्लाइड करती हुई आ रही है तो काइनेटिक रोल प्ले कर रही है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या इक्वेशन लगेगी, 100g sin 30 माइनस यहाँ पर कौन सी फ्रिक्शन होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू टाइम इज एम इनटू ए, क्योंकि उसने क्या पूछा, फाइंड एक्सेलरेशन। लेकिन इसके अंदर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे इंक्लाइन प्लेन की प्रॉब्लम आ जाती है, आपको उसने एक्सेलरेशन नहीं पूछी, उसने कहा कि 1 kg का ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर म्यू एस गिवन है, म्यू के गिवन है, आपको बताना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है। तो आप कैसे करेंगे, पहले ये डिसाइड होगा ये बॉडी मूव करेगी या मूव नहीं करेगी, इसके लिए क्या कैलकुलेशन होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो आप इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करें, एफ एस इज म्यू एस इन टू आर, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी है, 1g cos 30, ये पता है ना, इंक्लाइन प्लेन में mg cos mg sin में नॉर्मल रिएक्शन 1g cos 30, तो आप नॉर्मल रिएक्शन 1g cos 30 पुट करें, म्यू एस पुट करें, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 43.3 आती है। मतलब इस बॉडी को मूव करवाने के लिए आपको कितनी फोर्स चाहिए, 43.3, पर बॉडी को मूव करवाने वाली फोर्स कौन सी है, 1g sin 30, इसे कैलकुलेट कर लें कितनी आ रही है, 5 न्यूटन। अब देखो ना, बॉडी को मूव करवाने के लिए कितनी फोर्स चाहिए, 43.3, लेकिन आपने फोर्स कितनी लगाई, सिर्फ 5 न्यूटन, तो ये बॉडी मूव नहीं करेगी, तो जो फोर्स अप्लाइड है वही आपकी फ्रिक्शन हो जाएगी। तो आप आंसर क्या मार्क करेंगे, 5 न्यूटन इज द आंसर। लेकिन अगर ये बॉडी मूव करती तो काइनेटिक फ्रिक्शन आंसर हो जाता, ये बॉडी मूव नहीं कर रही तो आपने क्या आंसर मार्क करना है इसमें, जो आपकी फ्रिक्शन है वो 5 न्यूटन ही आंसर है। तो रूल समझ में आ रहा है कि कैसे डिसाइड करना है स्टैटिक का आंसर कब देना है, काइनेटिक कब देना है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट ऑफ क्वेश्चन जो बहुत आता है पेपर में इंक्लाइन प्लेन्स को लेके, मेरे ख्याल से 7-8 क्वेश्चन तो PYQ में सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, कम से कम मेंस के अंदर 7-8 तो बोल ही रहा हूँ, मैं खुद देख के आया हूँ। वो ये आपको वो क्या करेगा, ये आपको सामने इंक्लाइन प्लेन देगा, वो ये कहेगा कि ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है,
और इस ब्लॉक का मास मान लो 10 केजी है, तो और ये 30 डिग्री है, तो सबको पता ये क्या होगा, 10 जी साइन 30। फ्रिक्शन प्रेजेंट है यहाँ पर, फ्रिक्शन प्रेजेंट है और आपको इसमें म्यू एस दिया हुआ है, म्यू एस भी दिया है, म्यू के भी दिया है, पर यहाँ पर म्यू एस की शायद ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको। क्वेश्चन है कि यहाँ पर मैंने एक पी फोर्स लगाई, मैंने पी फोर्स कहाँ लगाई, ऊपर लगाई। क्वेश्चन है कि मैं फोर्स ऊपर लगा रहा हूँ पर ये बॉडी मूव नहीं कर रही, लेकिन टेंड टू मूव अपवर्ड्स है। तो मेरा क्वेश्चन है कि मैंने पी फोर्स लगाई, तो मैंने जो फोर्स लगाई मैक्सिमम फोर्स लगाई, मैक्सिमम का मतलब ये नहीं है कि बॉडी ने दौड़ना शुरू कर दिया, अपनी तरफ से मैं पूरी जान लगा रहा हूँ कि बॉडी ऊपर आ जाए, लेकिन वो आ नहीं पा रही, रेस्ट पे है, वो आ नहीं पा रही, वो रेस्ट पे है। तो इसमें पी की वैल्यू निकालनी है क्या होगी, कि बॉडी को मैं ऊपर मूव करवाने की कोशिश कर रहा हूँ पर वो ऊपर आ नहीं पा रही, वो रेस्ट पे है। तो जब ये बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई है, इसको कौन नीचे लेके आ रहा है, 10 जी साइन 30। अब आपकी टेंडेंसी बॉडी को मूव करवाने की कहाँ पर है, ऊपर, तो फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है वो कहाँ पर हो जाएगी, नीचे, फ्रिक्शन नीचे हो जाएगी। आपकी टेंडेंसी कैसी है, ऊपर, आप चाहते हैं कि बॉडी ऊपर आ जाए, तो आप उसको जोर कहाँ लगा रहे हैं, ऊपर, लेकिन मूव नहीं कर पा रही, तो फ्रिक्शन कहाँ पर है, नीचे। बोलो, मैंने ना फोर्स पी को छोड़ा ना मैं इसको स्लाइड करवा रहा हूं। अगर तो मैंने पी लगाना छोड़ दिया, ये बॉडी नीचे आएगी, तो फ्रिक्शन तो पक्का ऊपर है और फ्रिक्शन का नाम काइनेटिक है, बात खत्म। अगर मैंने ऊपर ले गया स्लाइड करते हुए, तो फ्रिक्शन नीचे एक्ट करेगी, पक्का काइनेटिक है। प्रॉब्लम वो काइनेटिक में तो खेलेगा ही नहीं ना, वो तो स्टैटिक में खेल रहा है, वो कहेगा बॉडी मूव ही नहीं कर रही। अब आप ये इमेजिन करो एक मिनट के लिए, आपने, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, आपने, चलो एक ये आपका हाथ है और लेट अस सपोज आपने एक बहुत भारी ऑब्जेक्ट को पकड़ा हुआ है, और पकड़ा हुआ है मतलब ऐसा नहीं कि चल नहीं रहा, रेस्ट पे है, बहुत जोर लग रहा है आपका। तो अगर आपका बहुत जोर लग रहा है किसी चीज़ को ऊपर खींचने में, लेकिन ऊपर आ नहीं रही, तो फ्रिक्शन कहाँ एक्ट कर रही है उसके अंदर, नीचे। आपकी टेंडेंसी बॉडी के ऊपर मूव करने की है, तो अंदर ही अंदर फ्रिक्शन कहाँ है, पीछे। मैंने कहा यार जोर लगाना बंद कर दो, कई बार ऐसा होता है बंदा हिल नहीं रहा, बंदा थोड़ा लूज हो जाता है, नर्व का थोड़ा लूज कर देता है कि चल छोड़ यार, छोड़ी भी नहीं। अब बॉडी टेंडेंसी कहाँ पर है, गिरने की, नीचे। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैक्ट करेगी, ऊपर, गिर रही नहीं, खड़ी है बॉडी यहीं पर। पर जब तुम ऊपर जोर लगा रहे हो मैक्सिमम, तो फ्रिक्शन की टेंडेंसी पीछे है, और जब तुम्हारा फोर्स कम हो गया, पी मिनिमम वैल्यू है कि चलो मूव ना करे, तो इसकी बॉडी की टेंडेंसी कहाँ पर है, नीचे गिरने की, तो फ्रिक्शन कैक्ट करेगी ऊपर। मैं ये सिखा रहा हूँ कि अगर आपको फोर्स मैक्स पूछ ली कि मेरे को मैक्सिमम फोर्स बताओ ताकि ये रेस्ट पे रहे, तो आपने फ्रिक्शन नीचे लेनी है, क्योंकि आपकी टेंडेंसी मैक्सिमम में क्या है, आप चाहती हो कि बॉडी कहाँ है, ऊपर, फ्रिक्शन का एक्ट करेगी नीचे, और क्योंकि बॉडी मूव तो करेगी नहीं, तो ये मैक्सिमम फोर्स है वो इसके इक्वल हो जाएगी, बात खत्म। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में फोर्स आ जाती है, मिनिमम फोर्स बताओ पी की ताकि बॉडी रेस्ट पे रहे, अब देखो ना मिनिमम फोर्स में क्या होने वाला है, फोर्स अगर मिनिमम है इसके अंदर, अगर पी फोर्स लग रही है और मुझे कम से कम फोर्स लगानी है, मिनिमम फोर्स लगानी है, अब भी 10 g 10 g (sin 30) अभी भी नीचे है, आपकी फोर्स मिनिमम है, समझो अब आपकी बॉडी कहाँ गई, अब नीचे गई, जा नहीं रही, पर बस समझो तैयार है नीचे जाने के लिए, तो फ्रिक्शन कहाँ करेगी, ऊपर। तो फिर इक्वेशन क्या बनेगी, इन्हें ऐड करके क्या कर देंगे, 10 g (sin 30), यहां से p मिनिमम की वैल्यू जो आएगी वो 10 g (sin 30) - फ्रिक्शन हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है कि वो मैक्सिमम पूछ रहा है या वो मिनिमम पूछ रहा है, और कमाल की बात है बॉडी दोनों केसेस में मूव नहीं कर रही। तो अगर बॉडी रेस्ट पे है लेकिन टेंडेंसी ऊपर मूव करने की, अंदर से आपकी, आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि बॉडी की टेंडेंसी ऊपर जाने की है पर मूव नहीं कर रही, फ्रिक्शन नीचे ले लेना। और अगर वो ये कहता है कि मैंने फोर्स ऊपर पकड़ के रखी हुई है पर बॉडी बस अब समझो नीचे गई, जा नहीं रही, तो फ्रिक्शन कहाँ ले लेना, ऊपर। बस यहाँ से अपना क्वेश्चन देख लेना, आज प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी देर में, इसे इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। तो पॉइंट यहाँ तक क्लियर है,
कोई डाउट है इसमें? अगला पॉइंट जो समझते हैं, ये भी हम मैं यूज़ करूँगा सभी न्यूमेरिकल में, वो टेंशन ना लें। अगला जो पॉइंट है वो ये आएगा, अगर एक बॉडी को मैंने ऐसे फेंक दिया, स्लाइड करने के लिए फेंक दिया, फोर्स लगानी बंद, ये स्लाइड करती हुई जा रही है और यहाँ फ्रिक्शन है, इसकी वेलोसिटी मान लो 10 मीटर पर सेकेंड है और थोड़ी देर में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो, रुक जाएगी ना, फ्रिक्शन रोक देगी। तो फ्रिक्शन फोर्स इसमें कौन सी एक्ट करेगी? काइनेटिक। फ्रिक्शन कौन सी होगी? काइनेटिक, क्योंकि स्लाइड रगड़ खाती हुई जा रही है, जो कि क्या होगी? म्यू टाइम्स एम जी, ठीक है। और ये क्या प्रोवाइड करेगी इसे? रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन की वैल्यू इसमें क्या होगी? म्यू टाइम्स एम जी। मैंने नहीं रोका, किसने रोका? फ्रिक्शन ने रोका, और फ्रिक्शन की फोर्स इज एन अपोजिंग फोर्स, तो जो भी फ्रिक्शन की फोर्स होगी वो माइनस एम ए करके आपने क्या करना है? रिटार्डेशन क्वेश्चन में ये यूज करना है। उसके बाद क्वेश्चन काइनेमेटिक्स का स्टार्ट हो जाएगा, वो जो भी पूछेगा एस निकालो या जो भी निकालो, बस ये याद रखना कि तुमने एक्सेलरेशन में माइनस म्यू टाइम्स जी पुट करना है। क्या ये रूल क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है इसमें? तो जब कोई बॉडी रगड़ खाती हुई स्पीड स्लो करेगी तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक। अगला पॉइंट है कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में क्वेश्चन आता है कि मान लो ये आपके पास एक बॉडी है और सपोज इसको इसने ग्राउंड के ऊपर फोर्स कितनी लगाई? एम जी। एम जी फोर्स इस बॉडी पे नहीं लगी, बॉडी ने ग्राउंड पे लगाई, तो एम जी फोर्स ग्राउंड को लगी। तो ग्राउंड ने बदले में क्या लगाया? नॉर्मल रिएक्शन, सही है। अब मुझे एक चीज पता है कि अगर मैं इसको यहां मूव करवाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन चलो ये मूव नहीं कर पा रही, इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन है लेट अस सपोज, तो टेंडेंसी बॉडी की राइट मूव करने की है, पर बॉडी रेस्ट पे पड़ी हुई है। और अगर चलो मोशन में करवाना है तो मोशन में करवा दो, तो फ्रिक्शन का नाम क्या बोल देना? काइनेटिक। मोशन में है तो काइनेटिक और रेस्ट पे है तो स्टैटिक। तो फ्रिक्शन की वैल्यू इस ब्लॉक पे कहां एक्ट करेगी? पीछे, पीछे। बाय एक्शन एंड रिएक्शन ग्राउंड के ऊपर भी फोर्स कहां एक्ट करेगी? आगे। अगर बॉडी स्लाइड कर रही है तो काइनेटिक बोल देना, नहीं कर रही तो, अगर स्लाइड कर रही है तो काइनेटिक बोल देना, नहीं कर रही तो स्टैटिक बोल देना। तो डायग्राम क्लियर है? इस बॉडी पे कुल मिला के कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? दो। तो इसकी कॉन्टैक्ट फोर्स है। नॉर्मल रिएक्शन इसलिए आया क्योंकि दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में है, फ्रिक्शन इसलिए आई क्योंकि दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में है। तो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स क्या बनेगी इनकी? इनका रिजल्टेंट बनेगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। उसी तरीके से जो ग्राउंड है उसको भी फ्रिक्शन मिली, उसको भी एम जी फोर्स मिली, तो ग्राउंड की जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है जिसको कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं, ग्राउंड की कॉन्टैक्ट फोर्स इसके इक्वल है, और मैग्नीट्यूड में दोनों कॉन्टैक्ट फोर्सेज इक्वल ही होती हैं, ये चेंज नहीं होती। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एरिया पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती, याद रखना। वो पूछेगा एरिया अगर ज़्यादा है कम है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पे ज़्यादा होगी, कोई लेना देना नहीं है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करती है, एरिया से इंडिपेंडेंट है। क्लियर है यहाँ तक? इसमें जो फ्रिक्शन है, जब आप एक बॉडी को मूव करवाते हैं तो फ्रिक्शन ब्लॉक को के ऊपर एक्ट करती है, तो ब्लॉक बाय रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट, फ्रिक्शन ग्राउंड पे लगाती है। वो ग्राउंड को फर्क नहीं पड़ता, हम ये डायग्राम बनाते नहीं है, पर एक्चुअल में ग्राउंड पे भी लगती है। तो ग्राउंड पे ये फोर्स लगी और ये फोर्स लगी, तो नेट ये फोर्स लगी, इसको कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं ग्राउंड की। तो कॉन्टैक्ट फोर्स ब्लॉक की होगी, कॉन्टैक्ट फोर्स ग्राउंड की होगी। ये भी ठीक है यहाँ तक? ठीक है। नेक्स्ट जो लॉजिक है इसमें वो कुछ ऐसा लॉजिक है कि सपोज करो, आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे इसमें कि सपोज ये आपके पास एक जो है ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे ना वो पुश और पुल वाला एग्जांपल बहुत लगाता है। जैसे उसने इसको पुश कर दिया, जब पुश कर दिया वो आपको देगा इसका जो है एंगल थीटा, इस बार वो आपको म्यू भी देगा यहाँ पर, और वो कहेगा कि इसके अंदर मेरे को ये बताओ कि मैंने कितनी फोर्स इसके ऊपर अप्लाई की, कितनी फोर्स अप्लाई की, और कभी कभी इसका नॉर्मल रिएक्शन पूछता है कितना एक्ट करेगा। तो तुमने ऐसे क्वेश्चन में लास्ट टाइम भी बताया था क्या करना है, इस फोर्स वेक्टर को नीचे ले जाना है, ये थीटा ले जाना है, तो ये एफ है, तो ये जो वेक्टर है ये क्या बनेगा? एफ कॉस थीटा, और ये क्या बनेगा? एफ साइन थीटा। नॉर्मल रिएक्शन इसमें एन है और वेट इसका एम जी है। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या है? नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड फोर्स है, और इसकी डाउनवर्ड फोर्स कितनी है? एफ कॉस थीटा भी है और एम जी भी है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर कंसिडर करना है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू है,
और जब ये बॉडी आगे मूव करेगी तो फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगी, पीछे। आगे को कौन फोर्स लगा रहा है, एफ साइन थीटा, और पीछे की फोर्स क्या है, स्मॉल एफ, यानी कि फ्रिक्शन। और आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से बॉडी आगे मूव कर रही है, तो एफ साइन थीटा आगे की फोर्स माइनस पीछे की फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, पर क्योंकि कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन को क्या लेना पड़ेगा, जीरो। तो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के केस में एफ इंटू साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ, या एफ इंटू साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। तो तुम इस एन को यहां पुट कर देना और एफ को निकाल लेना, एफ की वैल्यू कितनी अप्लाई की, तो यहां से एफ की वैल्यू आएगी। पॉइंट क्लियर है यहां तक, एफ कैसे निकलेगा इसमें? तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कम से कम 5-6 टाइप के प्रॉब्लम से ज्यादा PYQ में मैंने देखी है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर यूज होते हुए। मैं दिखाऊंगा आपको, मतलब थोड़ा नहीं है, बहुत एक जैसे कॉन्सेप्ट यूज किए जा रहे हैं। तो आज मैं सीक्वेंस ऑफ फ्रिक्शन बताऊंगा आपको कि किस किस टाइप की फ्रिक्शन की प्रॉब्लम आ रही है, ताकि आपका काम थोड़ा इजी हो जाए, आपको आइडिया हो जाए कि आपको किस लेवल पे पढ़ना है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? ठीक, इसके अंदर अब नेक्स्ट तो क्वेश्चन करके ही पता लगेगा, तो एक बार फिर भी नज़र मार लेता हूँ इसमें और क्या करने वाला है। इसके अंदर ये भी देख लेते हैं एक बार, जो फ्रिक्शन है यहाँ से शुरू करते हैं।